हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द डिटेल्स अबाउट डेरीविटाइजेशन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस एडवांटेजेस एंड द डिसडवाटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी सो दिस विल बी द डिटेल्स डेरीवेटाइजेशन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन सो फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग द डिटेल्स अबाउट डेरीवेटाइजेशन सो वाट इज डेरिटाइजेशन डेरीविटाइजेशन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिंपली हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांत में दर्द होता है कई बार हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है तो जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो उसका फिलिंग कर देते हैं या फिर क्या होता है कई बार जो डॉक्टर होता है उसका आर करता है रूट कैनल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं आर करने के बाद उसका फिलिंग कर देते हैं फिलिंग करने के बाद क्या होता है वो जो फीलिंग है हो सकता है छ महीने आठ महीने बाद या फिर एक साल बाद निकल जाता है वो स्टेबल नहीं रहता है ठीक है एक कंडीशन में नहीं रहता है कि एक बार लगा दिए तो अच्छे से टिक जाए ऐसा बात होता नहीं है तो उस कंडीशन में फिर क्या यूज़ होता है उस कंडीशन में जो डॉक्टर है या फिर डेंटिस्ट है वो कैपिंग लगा देते हैं आपका कैप लगा देते हैं उसमें एक सीरामिक का सीरामिक काप लगा देंगे आपके दांत में तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा एक जगह पे ठीक है और प्रॉपरली वो सेटल्ड रहेगा तो वैसे ही डेरिविटाइजेशन क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे सैंपल हैं जिसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता या फिर वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रह पाते हैं ठीक है थीके? वो थर्मोलेबाइल होते हैं या फिर किसी और कंडीशन में डिग्रेड हो जाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपरली डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में डेरेविटाइजेशन करते हैं सो तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ सम कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल एंडम्पोज आफ्टर ही बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं आफ्टर हीटिंग या फिर वो क्या होते हैं वोलेटाइल ही नहीं होते हैं जिसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है वो गैस में कन्वर्ट होना चाहिए आपका सैंपल गैस है देन इट इज वेल एंड गुड आपका सैंपल लिक्विड है तो उसको हीट करके आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि आपका सैंपल सॉलिड है तो उसको पहले लिक्विड में डिज़ोल्व करो उसके बाद फिर उसको गैस में गैस के फॉर्म में हीट करके उसको बनाओ तो अल्टीमेटली हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सैंपल हमारा अल्टीमेटली गैस होना चाहिए और कोई भी मटेरियल जो नॉन वोलेटाइल है तो जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल है उसको गैस में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार तो उसके लिए हमें डेर करना पड़ता है कि ताकि अच्छे से वो वोलेटाइल हो जाए और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो यही दो चीज़ है नॉन वोलेटाइल है या फिर डिकम्पोज uh, हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसका डेरेवेटाइजेशन कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सम कंपाउंड्स डो नॉट गिव सार्क पीक इन गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत सारा कंपाउंड ऐसा होता है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में सार पीक नहीं देता सार पीक का मतलब क्या होता है पीक हमारे पास ऐसा सार पाना चाहिए ये जो पीक है लेकिन हमारे पास पीक कुछ इस तरीके से आ रहा होता है ऐसा ब्रॉड पीक तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग जैसे फैटी एसिड्स वगैरह होता है तो ये पीक इस तरीके से ब्रॉड आएगा तो ये तो सही तो है नहीं इसमें प्रॉपरली स्टिमेशन हो नहीं पाएगा हमारे पास पीक इस तरीके से आना चाहिए तो उस कंडीशन में भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड का डेरीवेटाइजेशन का जरूरत हमें पड़ता है गैस क्रोमेटोग्राफी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टू ओवरकम दीस प्रॉब्लम्स एनालिस्ट एजेंट्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो एनालिस्ट है उसको यूज करना पड़ता है कुछ डेरिवेटाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है इसी डेरिवेटाइजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं साइलाइलेटिंग एजेंट इसी का दूसरा नाम है साइलाइलेटिंग एजेंट तो ये ऐसे एजेंट है जो क्या करते हैं जो नॉन वोलेटाइल है उसको वोलेटाइल कर देंगे जो डिकम्पोज हो रहे हैं वो डिकम्पोज उनको होने नहीं देंगे ऐसा इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर देंगे जो सार पीक नहीं दे रहा है वो सार पीक देने लगेंगे ठीक है तो इन कंपाउंड्स का या फिर साइलेटिंग एजेंट्स का वही हमारा काम होता है अब साइलेटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं साइलेटिंग एजेंट रिएक्ट्स विथ लेबाइल हाइड्रोजन ऑफ दैंपल कंपाउंड्स एंड कन्वर्ट्स ठीक है तो उसके पास जो लेबाइल हाइड्रोजन होता है सैम्पल कंपाउंड्स का उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये सारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे उनको वो सॉल्व कर देता है फिर रिजोल्व कर लेता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कोहल है तो साइलाइलेटिंग एजेंट उसको ईथर्स में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास एमींस है तो उसको साइलाइल एमींस में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास थायोल्स है तो हमारे पास थायो ईथर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है ये जो एल्कोहल एमीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर थायोल्स इनको हम लोग डायरेक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं होंगे इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा या तो ये नॉन वोलेटाइल होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे या फिर सार्फ इंड पॉइंट ये जो सार्फ पीक नहीं देंगे बट ये साइलाइलेटिंग एजेंट से रिएक्ट करने के बाद में ये जब इथर साइलाइलेमिन और स्टर और थार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनको हम लोग बहुत ही इजी वे में गैस क्रोमेटोग्राफी से स्टिमेट कर सकते हैं यही डेरिवेटाइजेशन का मतलब है अब यहां पर कुछ डेरिवेटाइजिंग एजेंट या फिर साइलाइलेटिंग एजेंट जिसी में हम लोग यूज करते हैं डेरिवेटाइजिंग एजेंट या फिर साइलाइलेटिंग एजेंट जो कॉमनली यूज होते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टी एस आई एम टी एस आई एम का फुल फॉर्म होता है एन ट्राई मिथाइल साइलिल एमिडाजोल एन ट्राई मिथाइल साइलिल एमिडाजोल इनका केवल नाम पूछा जाता है कि विच वन इज यूज एज ए साइलाइलेटिंग एजेंट इन जी सी तो ये तीन चार नाम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट भी और फुल नेम भी कई बार इनका शॉर्ट कर दे देता है टी एस आई एम का फुल नेम क्या है तो आपको बता देना है उसमें एन ट्राइमिथाइल साइलिल एमिडाजोल बी एस टी एफ ए बी एस टी एफ ए का फुल नेम होता है एन ओ बिस ट्राइमिथाइल साइलिल एन ओ बिस ट्राई मिथाइल साइलिल ट्राइफ्लोरो नेक्स्ट वन इज बी एस ए तो बी एस ए का फुल नेम होता है आपका एन ओ बिस ट्राइमिथाइल साइलिल एसेटामाइड ठीक है तो ये हमारे साइलाइलेटिंग एजेंट हैं या फिर आपके डेरिवेटाइजिंग एजेंट हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं और डेरिवेटाइजिंग एजेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा प्रॉपरली हमारा प्रॉपरली क्या हो जाता है जो सैंपल है अच्छे से डिटेक्ट हो जाता है जो नॉन वोलेटाइल है वो वोलेटाइल हो जाता है जो थर्मोलेबाइल है वो भी डिकम्पोज नहीं होता है तो ये हो गया हमारा डिटेल्स डेरिविटाइजेशन का नेक्स्ट होता है हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग गैस क्रोमेटोग्राफी यूजेस टू मेथड्स इन द टेम्परेचर कंट्रोल गैस क्रोमेटोग्राफी दो मेथड यूज करता है टेम्परेचर uh, कंट्रोल के लिए वो मेथड्स कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल ऑपरेशन आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है कि उसमें बीच में टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आइसोथर्मल ऑपरेशन द कॉलम रन्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट रेंज इज़ यूज एज द आइसोथर्मल टेम्परेचर ठीक है example, the the तो आइसोथर्मल टेम्परेचर में थ्रू आउट जो टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं मान लो हमारे पास डी क्रिकेट चल रहा है वनडे क्रिकेट उसमें से जो टीम वन है टीम वन है उसने 300 स्कोर किया अब इस 300 के स्कोर को पार करने के लिए जो सेकंड टीम है वो हर ओवर में 6 का रेट लेकर के चल रही है सिक्स रनस पर ओवर सिक्स रनस पर ओवर वो मेंटेन करके चल रही है थ्रू आउट द इनिंग्स तो वो 50 ओवर जाते तक उस रन को चेस कर लेगा ठीक है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है सिक्स रन पर ओवर में अब मान लो इसी को दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो होता है हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में तो ये अगेन 300 का ही टारगेट है बट अभी जो टीम है उसने 200 हंड्रेड रन स्कोर कर लिए 200 हंड्रेड रन बना लिए 40 ओवर्स में अब उनको 10 ओवर में कितना बनाना है 10 ओवर में 100 रन स्कोर करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये इसी स्पीड से छः रन के या फिर पाँच रन के स्पीड से यहाँ पर टू हंड्रेड रन है यहाँ पर फाइव रन पर ओवर से चल रहे थे तो इसी स्पीड इस से चलेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेंगे ये पहुँचेंगे ढाई सौ रन तक ये मैच तो नहीं जीत पाएंगे तो इस कंडीशन में इनको रन रेट बढ़ाना पड़ेगा टेन रन्स पर ओवर करना पड़ेगा टेन रन्स पर ओवर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दस ओवर में फिर हंड्रेड हो जाएंगे और ये तीन सौ रन पे पहुँच जाएंगे थ्री हंड्रेड रन पहुँच जाएंगे तो so, सिमिलरली हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में भी वही होता है ड्यूरिंग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग मोड द कॉलम टेम्परेचर रेजेस कंटिन्यूसली एट ए प्रीडोमिनेट रेट मीन्स स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलम रन कर रहा है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में जो चीज निकल गए वो तो निकल गए प्रीवियस वीडियो में एनिमेशन में भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो जो लास्ट में कंपाउंड बचे हुए थे जो सरफेस पे स्टेशनरी फेस के एब्जॉर्ब थे वो रिमूव होकर के या फिर वो आगे जा कर के इल्यूट आउट हुए जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो अदरवाइज वो वहीं पर रहेंगे क्योंकि उनकी एफिनिटी वहाँ पर स्टेशनरी फेज से ज़्यादा थी उस कंडीशन में तो अब क्या होता है जो कंपाउंड लास्ट तक भी नहीं निकल पाते हैं इल्यूट आउट नहीं होते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को स्लाइटली स्लाइटली इंक्रीज़ करने का ज़रूरत पड़ता है जब टेम्परेचर को स्लाइटली हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड भी हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग से हमारा जो इल्यूशन है वो फास्ट हो जाता है मीन्स हमारे पास कोई कंपाउंड सेपरेट हो रहा है एक घंटे में या फिर कोई कंपाउंड हमारे पास सेपरेट सेपरेट हो रहा है पाँच घंटे में तो उसको हमें दो घंटे में करना है तो उसके लिए धीरे धीरे हमें टेम्परेचर uh, को एलिवेट करना पड़ेगा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कैसे होता है द रैम्प रेट और द एल्यूशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉलम टेम्परेचर तो जो हमारे पास एल्यूशन रेट होता है जिस को जिसको हम लोग रैम्प रेट भी बोलते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है कॉलम के टेम्परेचर पे तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर लिया है हमारे कॉलम का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट तक इल्यूट आउट हुआ जितना भी कंपाउंड इल्यूट आउट होने थे निकल गए सेपरेट आउट हो गए देन इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस ये भी 10 मिनट तक चला ये भी 10 मिनट तक चला उसके बाद तो 110 से हमने इसको कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस 120 से हमने कर दिया 130 डिग्री सेल्सियस 130 से हमने कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही स्लाइटली स्लाइटली हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो वहां पर जो सेपरेशन है फिर एल्यूशन का जो रेट है रैम्प रेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो फास्ट हो जाता है और हमारे पास जो एनालिसिस uh, चार घंटे में होने वाला होगा वो हमको उसका रिज़ल्ट दो घंटे में ही मिल जाएगा तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है इससे क्या होता है हमारे पास मोबाइल फेस और ये जो इलेक्ट्रिसिटी इन सब का भी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो एनालिसिस है उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग हमें करना चाहिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन द इन द बिगिनिंग इट यूजेस लोअर टेम्परेचर दैट गि हायर रेजोल्यूशन ऑफ लाइटर कंपाउंड तो स्टार्टिंग में क्या होता है ये लोअर टेम्परेचर यूज करता है जिसमें जो रेजोल्यूशन uh, आता है हमारे पास जो लाइटर कंपाउंड है जो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाते हैं उनका प्रॉपर रेजोल्यूशन आ जाता है फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर जब हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं द रैम्प रेट ऑफ द हैवियर कंपाउंड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस गिव सार्पर पीक्स फॉर हैवियर कंपाउंड्स। तो जब हम लोग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि जो कंपाउंड है जैसे हमने बोला कि ये ऐसे इस तरीके का सार पीक आना चाहिए बट टेम्परेचर को एलिवेट नहीं किए तो वो कंपाउंड ऐसे धीरे 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 निकलते जाएगा तो जब ये धीरे धीरे निकलते जाएगा तो क्या होगा उसका पीक ऐसा कुछ आएगा ये ऐसा ब्रॉड हो जाएगा उसका पीक और हमें ब्रॉड रिजल्ट नहीं चाहिए ब्रॉड पीक नहीं चाहिए बिल्कुल किसी भी कंडीशन में लेकिन जब इसी को हम लोग एलिवेट कर देंगे टेम्परेचर को तो रैम्प रेट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और मीन्स एल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो भी कंपाउंड्स है कंपाउंड्स है हेवियर कंपाउंड जो इमीडिएटली सेपरेट आउट नहीं हो रहे थे जो बाद में सेपरेट आउट हो रहे थे वो भी जल्दी सेपरेट आउट हो जाएंगे तो जब वो भी जल्दी सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा भी आएगा और जल्दी भी आएगा और अच्छा और जल्दी तो सबको अच्छा लगता है ठीक है तो अल्टीमेटली इसका बहुत बेनिफिट होता है नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ टेम्परेचर प्रोग्रामिंग आर लिस्टेड बिलो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये एडवांटेजेस हैं हाई रेजोल्यूशन ऑफ लाइटर कंपाउंड लाइटर कंपाउंड तो पहले ही रिजोल्व होकर के आ गए तो उनका रेजोल्यूशन हाई होता है दूसरा होता है सार्फ पिक्स फॉर हैवियर कंपाउंड्स जो हैवियर कंपाउंड्स हैं उनका भी पीक सार्प हो जाता है ऐसे ऐसे सार्प पीक हो जाता है ऐसे ब्रॉड पीक नहीं हो, होता है ड्यू टू टेम्परेचर प्रोग्रामिंग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो ब्रॉड पीक होगा ठीक है नेक्स्ट वन रिड्यूस्ड रन टाइम्स जो रन टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट वन पास हो रहा है तो उसको पास होने में बहुत ज्यादा तो कैरी करता रहेगा अपना जो भी उसका सैंपल uh, है वो पीछे छूटा रहेगा, कुछ चला जाएगा कुछ छूटा रहेगा अल्टीमेटली पीक ब्रॉडनिंग होएगी पीट पीक ब्रॉडनिंग किसी भी एंगल से क्रोमेटोग्राफी में अच्छा होता नहीं है नेक्स्ट वन इज हायर सैंपल थ्रूपुट ठीक है हायर सैंपल थ्रूपुट भी हो जाएगा मीन ज्यादा सैंपल को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेड एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम ए सिंगल कॉलम तो एक ही कॉलम से हम लोग मतलब जल्दी ल्यूट आउट हो जाएगा तो एक ही कॉलम को हम लोग दोबारा भी यूज कर सकते हैं एक दिन में जहां पर हम लोग पांच सैंपल लगा रहे थे वहां पर हो सकता है हम लोग दस या फिर पंद्रह सैंपल लगा पाएंगे तो हमारे पास uh, कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट आएगा इकोनॉमिक हो जाएगाचर प्रोग्रामिंग परमिट्स द हायर रेजोल्यूशन ऑफ लाइटर कंपाउंड एंड सार्फ पिक्स फॉर हैवियर कंपाउंड रिड्यूसिंग द लॉन्ग रन टाइम जनरेटेड बाई है कंपाउंड ये आलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैम्पल इंजेक्टर एंड कॉलम इज इंक्लोज इन एन ओवन एंड टेम्परेचर कैन बी एलिटेड अप टू फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास जो सैंपल इंजेक्टर है और जो कॉलम है वो एक इंक्लोज होता है एक ओवन में इंक्लोज होता है जिसका आपने ऑलरेडी वर्किंग के कंडीशन में देखा हुआ है कि एक ओवन में हमारे पास सारा चीज़ इंक्लोज था सैंपल इंजेक्टर भी और कॉलम भी जहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर पा रहे थे तो उससे हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में बेनिफिट होता है और ये टेम्परेचर एलिवेट हो सकता है अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है नेक्स्ट वन इज एलिवेटेड टेम्परेचर इज़ यूज फॉर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग एनालिस्ट कैन ग्रेजुअली इनक्रीज द टेम्परेचर ठीक है तो एलिवेटेड टेम्परीचर को हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में और एनालिस्ट uh, टेम्परेचर को टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम टेम्परेचर को इनक्रीज कर सकता है इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास ज़ीरो टू फाइव मिनट में मान लो फोर्टी डिग्री सेल्सियस है फिर फिर uh, हमारे पास ये फाइव टू टेन मिनट्स में आपके पास मान लो ये फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक चला दिए उसके बाद ये 10 टू 15 मिनट तक आपने 60 डिग्री सेल्सियस में चला दिए उसके बाद फिर आगे इसी को देखेंगे तो uh, 15 टू 20 मिनट तक आपने चला दिया इसको uh, 70 डिग्री सेल्सियस में एंड इसी तरीके से आप टेम्परेचर को एलिवेट करते रहेंगे तो आपका जो सेपरेशन uh, है कंपाउंड का प्रॉपरली हो जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस अब जीसी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस क्या है सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द सब्सटेंस विथ मोर वोलेटिलिटी विल सेपरेट आउट क्विकली वाइल द सब्सटेंस विथ लेस वोलेटिलिटी विल इल्यूट आउट स्लोली दिस मेथड हैज अ हाई रेजोल्यूशन पावर कंपेयर टू अदर मैथड्स तो जनरली हम लोग गैस क्रोमोटोग्राफी किसके लिए यूज़ करते हैं जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके लिए यूज़ करते हैं वोलेटाइल ऑयल हो गया या फिर और कोई इथर्स हो गए जो वोलेटाइल होते हैं उनके लिए जनरली यूज़ करते हैं वो उससे क्विकली सेपरेट आउट हो सकते हो जाते हैं और उनका रिजोल्यूशन भी अच्छा आता है और प्रॉपर सेपरेशन भी होता है तो ये एडवांटेज है जब भी हम लोग को वोलेटाइल सैम्पल्स uh, को सेपरेट आउट करना होगा दिस मेथड हैज़ हाई सेंसिटिविटी वेन यूज विथ थर्मल डिटेक्टर्स तो जब भी हम लोग थर्मल डिटेक्टर यूज़ करते हैं तो इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है दिस टेक्निक गिव्स रिलेटिवली गुड एक्यूरेसी एंड प्रसिजन ठीक है तो हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है इसकी एक्यूरेसी और प्रसिजन दोनों काफी अच्छी होती है क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि इसमें मल्टी पार्थ इफेक्ट नहीं होता है एडीडीफ्यूजन नहीं होता है उसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी और प्रसिजन ज्यादा अच्छे से हो पाता है नेक्स्ट वन इज सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल वेरी क्विकली ठीक है सेपरेशन और सेपरेशन uh, जो सैंपल का और एनालिसिस मीन उसका इस्टीमेशन भी करना होता है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है इसमें क्योंकि जो गैस है वो काफ़ी स्पीड से एल्यूट आउट करता है हमारे सैंपल को सैंपल भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है अल्टीमेटली जो अंदर कॉलम में जाता है और हमारे पास मोबाइल फेज तो गैसियस फॉर्म में होता ही है तो एल्यूशन फास्ट होता है नेक्स्ट वन इज सैंपल विथ लेस क्वांटिटी इज ऑल्सो सेपरेटेड तो बहुत कम क्वांटिटी में सैंपल जो होता है वो भी आराम से सेपरेट आउट हो जाता है जो यदि थोड़े अमाउंट में भी सैंपल हुआ वो भी सेपरेट आउट हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया होता है डिटेक्टर्स के बारे में तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट को भी जो जी के डिटेक्टर्स है वो डिटेक्ट कर रहे थे टेन टू दावर माइनस नाइन टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व ग्राम ट्वेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन ग्राम भी डिटेक्ट हो पाता था जो बहुत ही छोटा अमाउंट है तो बहुत थोड़ा सा भी सैंपल होगा तो उसमें भी कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है वो गैस क्रोमोटोग्राफी से हम लोग इस्टीमेट बहुत ही इजली वे में कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमोटोग्राफी सो ओनली वोलेटाइल सैंपल्स और दैंपल विच कैन बी मेड वोलेटाइल आर सेपरेटेड बाई दिस मेथड सबसे बड़ा इसका डिसएडवाटेज ये है कि हम लोग इसमें केवल वोलेटाइल सैंपल को ही एनालाइज कर सकते हैं यदि हमारे पास जो सैंपल है वोलेटाइल नहीं है तो उसको वोलेटाइल हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग साइलाइलेटिंग एजेंट डालें या फिर उसका डेरेविटाइजेशन करें कुछ भी करें बट सैंपल हमारा वोलेटाइल होना चाहिए यदि सैंपल हमारे पास गैस है देन इट इज़ वेल एंड गुड यदि हमारे पास लिक्विड है तो उसको हीटिंग करके गैस में कन्वर्ट होकर करना पड़ेगा इफ अवर सैंपल इज सॉलिड देन वी विल डिसॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड एंड दैट लिक्विड विल बी कनवर्टेड अगेन इनटू द गैस अल्टीमेटली वोलेटाइल होना ही चाहिए और हमारे पास गैसीयस सैंपल अल्टीमेटली एनालाइज होगा ड्यूरिंग इंजेक्शन ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ द गैसीयस सैंपल प्रॉपर अटेंशन इज रिक्वायर्ड ठीक है तो जब भी हम लोग गैसीयस सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो प्रॉपरली अच्छे से हमें देख करके इंजेक्ट करना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं और उधर से जो सैंपल है उसका लॉस हो जा रहा है किसी भी तरीके से जो सैंपल है इंसुलेटेड नहीं है हमारा जो इंजेक्शन चैम्बर है प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है या हमने कोई केयर नहीं किया तो गैस वहां पर से क्या हो जाएगा बहुत इजिली स्केप कर जाएगा और हमारे पास हम लोग सोचेंगे कि हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया है हो सकता है हमारे पास 50 परसेंट सैंपल ही गया होगा या फिर 40 परसेंट सैंपल ही गया होगा फिफ्टी या फिर सिक्सटी परसेंट सैंपल का लॉस हो गया होगा तो वो नहीं होना चाहिए वो हमारे पास आ, हमको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सैंपल ऑफ गैस विच इज अबाउट टू इंजेक्ट मस्ट बी थर्मली स्टेबल सो दैट इट डज नॉट गेट डिग्रेडेड विन हीटेड तो हमारे पास जो सैंपल होता है गैस का विच इज़ अबाउट टू इंजेक्ट मस्ट भी थर्मली स्टेबल मीन्स हमने उसको गैसियस फॉर्म में इंजेक्ट कर लिया इंजेक्शन पोर्ट से तो थर्मली स्टेबल होना चाहिए और वो फर्दर डिग्रेड नहीं होना चाहिए हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया और फिर वो डिग्रेड होकर कि किसी और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए ठीक है वो चीज़ नहीं होना चाहिए तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ये डिसएडवांटेज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का अब हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी इसमें ओवन है 400 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ रहा है हमने कोई गैसियस फॉर्म में सैंपल को तो ला दिया तो वो सैंपल को डिग्रेड नहीं होना चाहिए दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो, तो दूसरा चीज़ डिटेक्ट होगा तो जब तक वो थर्मली स्टेबल नहीं होगा वो हायर टेम्परेचर में हो सकता है चांसेस होते हैं कि दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए तो वैसा कंपाउंड को हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज करना नहीं चाहेंगे एंड लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी तो गैस क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशंस जो फर्स्ट होता है इट एड्स इन आइडेंटिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ ए लिक्विड मिक्सर एंड फाइंड आउट द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ठीक है तो लिक्विड मिक्सर है उसमें भी हम लोग इसका कंपोजिशन और उसका रिलेटिव कंसेंट्रेशन कितना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स सेपरेट एंड प्यूरिफाई कंपोनेंट्स इन ए गिवन मिक्सचर ठीक है तो ये हमको ये हमको हेल्प करता है जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसको सेपरेट करने में और प्यूरिफाई करने में तो हमारे पास मिक्सर है उसको सेपरेट और प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है तो ये हमारा मेजर एप्लीकेशन है नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इज दैट इट इज़ यूज टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर एक्टिविटिकोफिशियंट्स एंड हार्ट ऑफ दल्यूशन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दैट इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रोसेस टू चेक फॉर कंटमिनेशन एंड टू मेक स्योर दैट द प्रोसेस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान मीन्स हम लोग को ये जो आ, गैस क्रोमोटोग्राफिक मेथड है इसमें कोई मीन्स हमारे पास जो सैम्पल है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है फिर कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई इम्फ्यूरिटीज या फिर कंटामिनेशन तो नहीं है उसको चेक करने के भी के लिए भी काम आता है नेक्स्ट एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक फॉर दी ब्लड ब्लड एल्कोहल फूड प्योरिटी ड्रग प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द इसेंशियल ऑयल्स तो इन सब के लिए भी हम लोग यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी को बहुत सारा चीज़ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं सो दिस आर द मेजर एप्लीकेशंस इसके अलावा भी और बहुत जगह हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं जैसे पेस्टिसाइड इस्टिमेशन हो गया या फिर पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग और पॉलीमर्स uh, का इस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं बट दीज आर दी मेजर एप्लीकेशंस सो थैंक यू सो मच